अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। मेरा नाश्ता हो चुका है और मैं ये देखें तुरई की भुजिया बना रही हूँ दोपहर के लिए। अभी मुझे इमरजेंसी में जाना है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। मेरी सिस्टर अभी उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, उनको ब्लड की कमी हो गई थी तो इसलिए अभी उनको ब्लड चढ़ेगा, इसलिए अब उनके देखने जाऊँगी मैं। और ऑलमोस्ट मेरी ये तुरई पक चुकी है, मैंने जल्दी जल्दी चढ़ा दी थी नाश्ता करके, किचन साफ़ करके। तो ये मेरा किचन का काम भी कंप्लीट हो चुका है और अब मैं जल्दी जल्दी बाहर की भी सफाई कर दूँ। जल्दी से हो तो गई, थोड़ी बहुत रह गई है। और मैंने ड्राइंग रूम भी साफ़ कर लिया है। अब मैं ये सब काम करके फिर तैयारी करूँगी जाने के लिए। बाकी दुआ करिएगा मेरी ये सिस्टर की तबीयत ठीक हो जाए। और मैं सुन ब्लड की कमी हो गई है और अभी उनके अभी हम देख करते जाएंगे उनको। वैसे तो दो बॉटल्स चढ़ेंगे उनको ना ब्लड की, दो बॉटल और बस ये भी है। और ये ख़त्म करूँ। लाइट अभी चली गई थी एक घंटे के लिए, अभी आई है लाइट और मैंने कहा जल्दी ने काम अपने कल ख़त्म कर लिया। बहुत मैं अपने सिस्टर के पास आई हुई हूँ और यहाँ पे उनका टेस्ट हो रहा है। अभी हम ब्लड अभी उनको चढ़ा नहीं है, अभी ब्लड जाएंगे वहाँ से लेके फिर उनको ब्लड चढ़ेगा। आप लोग दुआ करें अल्लाह ताला उनकी सेहत भी तंदुरुस्ती दे। और बस डॉक्टर भी इधर से उधर बढ़ रहे थे ना हम लोगों को, उसकी दवाई भी अभी एक और टेस्ट हो उसके आगे पर टेस्ट हो रहा है, जैसे कि कोई परेशानी की बात नहीं है। और एक डॉक्टर ने कहा तो चढ़ाने दिखाया और अभी जैसे कि हम लोग बैठे रहते हैं यहाँ पर दिखा टेस्ट हो रहा है, बस अंदर बेहतर करें। ये देखे हम कराची आर्मी में बराबर में हुसैनी के, तो हमने कहा पहले खाना खा लें यहाँ से, फिर अभी अपने सिस्टर को भी यहाँ दिन पहलाने के लिए आ गए हैं और खाने का भी टाइम है, तो हमने कहा चले खाना खा लेते फिर हम लोग ब्लड को बाद में चढ़ेगा। इसलिए अभी हमें रिपोर्ट नहीं मिली थी तो हमने कहा चलो पहले खाना खा लेते हैं यहाँ से ना, फिर आगे जाएंगे। ये कराची हलीम खा रहे हैं हम लोग लाल टिक्का और हॉस्पिटल हॉस्पिटल के बराबर में ही है। अभी रिपोर्ट मिलने में टाइम था तो हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं, खाना खाने का भी टाइम था तो इसलिए खाना खाने बैठ गए हम लोग यहाँ। ईद के बाद हम लोगों ने हमारे घर के लोग आए थे तो हमने कहा चलो यहीं पे कुछ खा पी लेते हैं, बस अब हम लोग जाएंगे जहाँ इनको ब्लड चढ़ेगा। सही है। और फ्रेंड्स मैं अभी अपने सिस्टर के साथ ही हूँ हॉस्पिटल में और उनका ब्लड चढ़ रहा है। बस आज का दिन भी मेरा मसरूफियत में गुजर गया,
और हमको 3-4 हॉस्पिटल जाना पड़ गया वो टेस्ट कराने के चक्कर में, और 2-3 हॉस्पिटल डॉक्टरों ने घुमा दिया हम लोगों को, ये टेस्ट कराए वो टेस्ट कराए, और कोई कह रहा आपका सही है बिल्कुल नॉर्मल है ठीक ठाक है, और कोई कह रहा किसी ने डरा दिया कि आपको ब्लड चढ़ेगा ये होगा होगा, बस परेशानी में फिर रहते हैं हम लोग। लेकिन अभी उनकी जो डॉक्टर थी पुरानी उन्होंने कहा कि आप ठीक है, एक आपको ब्लड चढ़ेगा ज़्यादा नहीं, और अभी वो लगा दी है ब्लड की। बस अल्लाह का शुक्र है तबीयत तो भी इनकी बेहतर है, ये सिलो सिलो चढ़ता है ब्लड, तो अभी तो 7 बजे तक के हम लोग को यहाँ बैठना होगा और 3-4 घंटे तो लगते ही है इसमें। ये देखे हम चाय भी पी रहे हैं, टी टाइम हो गए हमारा, और ये पठान के होटल की चाय पी रहे हैं। कितनी देर बैठना भी आसान बात नहीं है किसी के साथ, तो हमने कहा चाय इंजॉय कर ले थोड़ी सी, और बहुत मज़ेदार थी चाय है पठान के होटल की, तो अच्छी होती वैसे भी चाय। और 5 कप मंगाए थे हमने और ये 3 कप दिखा रही हूँ, 2 कप उन लोग के हाथ में है। चले आप लोग भी चाय इंजॉय करें, शाम का टाइम हो गया है, और क्योंकि हम लोग को नींद आने लगी या बैठे बैठे तब लेकर चाय पी लेते, थकान उतर जाएगी। ये बिस्किट भी चल रहे हैं साथ साथ, और यहाँ की लाइट चली गई है तो इन्होंने जनरेटर चला दिया है और जनरेटर की आवाज़ आ रही है। और फ्रेंड ने अपने घर आ चुकी हूँ वापस अपनी मेरी सिस्टर के पास, मेरे भाई भाभी भी थे, मेरी बड़ी सिस्टर भी थी और उनके बच्चे भी थे, इसलिए मैंने कहा मैं जल्दी निकल जाऊँ यहाँ से, क्योंकि कहीं बाहर के हालात ख़राब ना हो जाए, गाड़ी वाड़ियाँ बंद ना हो जाए जो आज हुआ है इसकी वजह से। और लेकिन मेरे भाजी ने भी मुझे स्टाफ तक छोड़ दिया था, क्योंकि हॉस्पिटल से स्टाफ थोड़ा दूर था, तो उन्होंने बाइक के मुझे स्टाफ तक छोड़ दिया था, तो मैं चिंची रक्षे में बैठ के अपने घर आ गई हूँ। और वैसे हालात तो बेहतर थे, यहाँ की गाड़ियाँ चल रही थी, और अभी तो फ़िलहाल गाड़ियाँ चल रही थी, अब आगे का नहीं पता कि क्या हुआ। वैसे तो कुछ हालात ख़राब हुए भी हैं, बाकी देखते हैं अब क्या होता है। चलिए बस आज जो मैंने टूटा फूटा जो ब्लॉग बनाया है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा, और बड़ी मेहनत से बनाया है मैंने अपने सिस्टर के साथ जो मैंने वक्त गुजारा और उनके बच्चों के साथ जो वक्त गुजारा वो सब मैंने आप लोग के साथ शेयर करा। और अगर आप लोग को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। वैसे मेरी बहन जो सिस्टर है उसको ब्लड थोड़ा सा रह गया था, और माशाल्लाह से उनकी तबीयत अभी बेहतर थी, बस इनको ये ब्लड फ्रूट खर्चा ठीक रहे वो तबीयत उनकी, आप लोग भी दुआ करिएगा प्लीज़ प्लीज़, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल तक के लिए नई वीडियो तक की इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी फिर, अल्लाह हाफिज़।